नमस्कार दोस्तों, विद्यावर्धन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दोनों बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, इस एपी में फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म या कहें हम nth टर्म दिया गया है और nth टर्म का सम दिया गया है, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने हैं और कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। बहुत ही सिंपल है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इस एपी में जैसा मैंने बताया, फर्स्ट टर्म हो गया 5, लास्ट टर्म that is nth term is equal to 45 and Sn is equal to 400। अब हमें n की वैल्यू पता लगानी है और d की वैल्यू पता लगानी है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे, Sn is equal to n by 2 a plus l। इस फार्मूला का हम यूज करेंगे, इसमें हमें n को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पता है। तो यहां पर Sn हो जाएगा 400, ए हो जाएगा 5 एंड एल इज इक्वल टू 45। अब यहां पर देखिए, 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 50। अब देखिए, ये आपस में कट जाएगा, आएगा 25, और 25 और 400 आपस में कटेगा, आएगा 16। therefore n इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू हमें पता चल गई, अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर ए एन दैट इज एल इज इक्वल टू 45, ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस वन इंटू डी। अब 5 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, हो जाएगा माइनस 5, 45 में से 5 लेस हो जाएगा, आएगा 40, 40 इज इक्वल टू 15 डी। अब यहां देखिए, 5 थ्री जा 15, therefore D is equal to 8 upon 3 and that is our answer। तो देखा दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अब यहां पर देखिए, पहला टर्म है 17 और nth टर्म या लास्ट टर्म दैट इज 350, कॉमन डिफरेंस है 9। अब हमें यह पता लगाना है कि 17 से लेके 350 तक कितने टर्म्स होंगे और उनका सम क्या होगा। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है 17 और लास्ट टर्म क्या है दैट इज 350, कॉमन डिफरेंस है 9। हमें पता लगाना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में कितने टर्म्स होंगे और उन टर्म्स का सम क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल इज इक्वल टू 350, ए इज इक्वल टू 17, एन की वैल्यू हमें पता लगानी है, D इज इक्वल टू 9। अब 17 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, हो जाएगा माइनस 17, तो हो जाएगा, अब देखिए ये आपस में कट जाएगा, यहां पे आएगा 37, therefore n minus 1 is equal to 37, therefore n is equal to 38। अब बहुत ही आसान है, n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, अब हम Sn की वैल्यू निकाल सकते हैं। therefore Sn is equal to n by 2 a plus l, तो यहाँ पे हो जाएगा n is equal to 38, a is equal to 17 and l is equal to 350। इन सब की वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 6973, and that is our answer, and hence our questions are solved।